दम नहीं है। आरा वाला का यही दम है जी, आरा वाला थोड़ा दम दिखाइए। गुड मॉर्निंग ना, बताइए इतना दूर से आ रहे हैं बिहार शरीफ से हम लोग को सिखाने के लिए, आज अब देखेंगे कि आरा वाला में तो दम है नहीं, तो ऐसी करना है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करिए ना, गुड मॉर्निंग। चलिए, मेरा नाम आदित्य कुमार, घर का बात किया जाए यही आरा भोजपुर बिहार से। और डीएक्सएम में आने से पहले जैसे खड़े युवा का एक सपना होता है क्या, नौकरी पकड़ना है, तो उसी तरीके से मेरा भी एम था। लेकिन मेरी मम्मी को, जो कि हमको डीएक्सएम में लेकर के आए, और कोई नहीं है, हमारे मेरे गुरु माता पिता लक्ष्मी मैम और राजकुमार सर के नाम पर एक जोरदार तालियां। जो स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, उनके बॉडी में हर एक तरह का प्रॉब्लम, बीपी, फलेरिया, गठिया, सारा प्रॉब्लम था। लेकिन जीवन में एक ऐसे गुरु मिलते हैं, एक इतने अच्छे मार्गदर्शक मिलते हैं, जो कि हम सभी के गुरु नहीं कहेंगे, वो परमात्मा तुल्य, हम सभी के भाग्य विधाता, और कोई नहीं, धर्मशीला मैम सुधर सर के नाम पर एक जोरदार तालियां, जबरदस्त। और उनके दिखाए हुए रास्ता पर चल करके, उनके द्वारा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिए, प्रोडक्ट को समझे, प्रोडक्ट के पावर को समझे, इस्तेमाल करने के बाद उनके बॉडी में इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि जो महिला खुद से उठती बैठती नहीं थी, वो महिला घर का सारा काम करने लगी, सारा काम। और आज देखा जाए तो डीएक्सएम प्रोडक्ट से खा करके स्वस्थ ही नहीं मिला, डीएक्सएम बिजनेस को समझ करके जिस महिला को पूरे दुनिया में कहीं से 5,000-10,000 कमाने का कोई सिस्टम नहीं था, वो महिला आज डीएक्सएम सिस्टम के पावर से मिलेनियर है, मिलेनियर। और इतना ही नहीं, आज देखा जाए डीएक्सएम में आने से पहले मेरे पास कोई ना कोई अच्छा घर था, ना बाइक था, ना गाड़ी था। डीएक्सएम में आने से पहले स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास एक मात्र साइकिल था, वो भी अपना नहीं, किनका, अपने दादाजी का, अपने दादा का साइकिल, यहां से आरा से ट्रेन में लाद करके बिहार शरीफ ले गए थे। और कौन सा साइकिल, पहला जमाना का बुढ़वा साइकिल, मैंने इतना मजाक उड़ाता था लोग ना, कि जब भी हम कोचिंग में जाते थे, किस लिए, कि अगर पहले जाएंगे सब वहां पर रहेगा, सब देख करके मजाक उड़ाएगा हाँ से। तो जब भी कोचिंग होता था या फिर स्कूल जाते थे, सबसे लास्ट में आते थे कि कोई हमको देखे नहीं, मजाक नहीं उड़ाए। लेकिन आज डीएक्सएम सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है कि जिस बच्चा के पास एक घर का साइकिल नहीं होता था, आज अपना पर्सनल 2 बाइक है और घर में 12 लाख का लग्जरी कार। और ये सभी चीजों का जो देन है और कोई का नहीं है, हम सभी के महान गुरु धर्मशीला मैम सुंदर सर का है, तो उनके नाम पर जहां पर भी है दिल से एक जोरदार तालियां होना चाहिए। और आज देखा जाए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डीएक्सएम सिस्टम में आए, बहुत ही ज्यादा परेशानी से आते हैं, स्वास्थ्य का परेशानी हो, धन का प्रॉब्लम हो, पैसे का प्रॉब्लम हो, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो क्या हमसे सुनना चाहते हैं, आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं, तो जिनका हमें इंतजार था वो हमारे बीच आ चुके हैं, और बहुत ही जल्द उनका यहाँ पर एंट्री होगा, उनके ट्रेनिंग को सीखना है। और जब लीडर का एंट्री हो जाए तो यहाँ से कोई उठ बैठ नहीं करेंगे, कोई अपने फोन नहीं बजाएंगे, सभी लोग अपने फोन को क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे, स्विच ऑफ, क्योंकि सीखने के क्रम में एक कहावत है ना, आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। एग्जाम्पल देते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं कैसे आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। एक आदमी था, उसको उसका एक दिन क्या हो गया, पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्या हो गया, पेट ज्यादा खराब हो गया, बहुत ज्यादा उसको लैटरिंग हो रहा था। अब क्या करे भाई, तो एक वैद्य के पास गया, और जब वैद्य के पास जाता है, उसको एक समस्या और था, जब वैद्य के पास जाता है कि वैद्य जी देखिए मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, अब क्या करें हम,
घर जाओ और घर जा करके ऐसे ऐसे बना करके तुमको खिचड़ी खाना है। क्या खाना है? खिचड़ी खाना है। और उसको भूलने का ही प्रॉब्लम था, जाता है तो सोचा कि कहीं घर जाते जाते भूल नहीं जाए, बोलते जा रहा था खिचड़ी 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 खिचड़ी। अब बोलते बोलते ध्यान में गुम हो गया अपना, अब खिचड़ी से क्या हो गया, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। अब बीच रास्ते में जब जाता है एक खेत मिलता है, अगर उस खेत से गुजरता है खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी, तब जो खेत वाला रहता है बोलता है, अरे इतना मेहनत से हम फसल उगा रहे हैं, आई बोल रहा है सब चिड़िया सबको कि आके खाचड़ी खाचड़ी। उसको गुस्सा आता है, जाता है जाके एक दो फेट मार के चलाता है, खाचड़ी नहीं बोलो जाचड़ी जाचड़ी बोलो। बोलता है ठीक है, फिर जाता है जाचड़ी जाचड़ी बोलते जाता है जाचड़ी जाचड़ी। तो रास्ते में मिलता है वो पहेलिया जो चिड़िया को पकड़ करके मार्केट में बेचता है, जाता है थोड़ा सा और वो अपना जाल बिछाए हुए था कि चिड़िया को हम पकड़ेंगे इसी, आगे जाता है जाचड़ी 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 बोलते जाता है जाचड़ी। अब पहेलिया देखता है इतना मेहनत से हम चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हैं, यही कह रहा है जाचड़ी जाचड़ी, गुस्सा आता है उसको, वो जाता है एक दूसरे मार के चलाता है जाचड़ी बोलता है जी। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि थोड़ा सा भी ध्यान भटकाइएगा तो खिचड़ी से खाचड़ी और खाचड़ी से जाचड़ी हो जाइए, मतलब उल्टा का फुलटा ज्ञान लेकर के चल जाइएगा और आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। तो हम सभी को क्या करना है, पूरे दिल से दिमाग से कहां रहना है, इस मीटिंग हॉल में रहना है। तो क्या आप सभी दिल और दिमाग से इस मीटिंग हॉल में है? कितने लोग हैं?